हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, एज आई हैड प्रॉमिस्ड कि मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए एनपीओ का एक पूरा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सो हियर आई हैव कम अप विद द होल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये क्वेश्चन आप लोग अगर मेरे साथ करते हैं देन यू विल हैव a clear idea about how to solve the practical question of NPO within the stipulated time period। ठीक है, एक चीज ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, जब भी आपको practical question मिलता है तो 70-80% question आपका question read करते समय ही solve हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर question read करते समय question आप लोगों को पूरा समझ में आ गया then there is no doubt the question would become wrong। बात समझ में आया? So let us start। मैं आप लोगों को यह तरीका बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में ही अपना आंसर को कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके बाद सॉल्व करके भी बताऊंगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, नाउ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सीयर्स क्लब नोएडा एज ऑन 31 मार्च 2018। सो ये हमारा पहला चीज कब बनाना है, 31 मार्च 2018, तो ये हो गया अपना करंट ईयर, पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, दिस बिकम्स अवर करंट ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सीयर्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। ठीक है, सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ते हैं, क्या बोला, टू बैलेंस बीडी, दिस इज व्हाट, कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग। सो ये कहा जाएगा, ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, हम यहीं पर लिख लेंगे, कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर, ओके। नाउ टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 2016-17 मतलब पिछले साल के लिए, पिछले साल के लिए हमें रिसीव हुआ है 40,000, दिस वोंट बी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इस बार मिला है 40,000, तो हम इस साल का लिए अकाउंटिंग बना रहे, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। 17-18 के लिए रिसीव हुआ 94,000, ये करंट ईयर का है, ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है, 18-19 के लिए 7,200, ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा, बर ये क्या होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एडवांस एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस इसे लायबिलिटी, तो ये कहा जाएगा, ये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, मैं लिख देता हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट, कौन सा साइड में, लायबिलिटी साइड में, सीबीएल लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। क्लियर, नाउ टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, एस वी नो दैट एनी रिसिप्ट, ठीक है, एनी रिसिप्ट विच इज, कोई भी रिसिप्ट विच जिसका पर्पस प्री डिटरमाइंड हो, एनी डोनेशन जिसका पर्पस पहले से डिटरमाइन किया गया हो, इट्स ए लायबिलिटी, तो यह कहा जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब एनपीओ ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला, 800 रुपए मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 रुपए मिला, इट्स एन इनकम, ये क्या है, इनकम साइड, ये कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। क्लियर, टू गवर्नमेंट गन, इट्स ए रेवेन्यू इन नेचर, हमेशा मिलता रहेगा गवर्नमेंट से, तो ये कहा जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी इनकम साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर टू यू, कहा इनकम साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, ओके। उसके बाद लिखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा गया है, ठीक है, नाउ जिसका बुक वैल्यू कितना है, 4,000, तो ओल्ड फर्नीचर का जो बुक वैल्यू है ये क्या है, फर्नीचर इज व्हाट, इट्स एन एसेट, तो ये तो बाद में बेचा ना, पहले तो नहीं बेचा, इसी साल में बेचा गया है। ठीक है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में ये हो जाएगा आपका एसेट, एसेट साइड में कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, AOB लिखा है मैंने, एसेट साइड ऑन द ओपनिंग बैलेंस शीट, बट सेल कितने में किया, 1600, ये जो 4000 और 1600 का देखिए, जिस एट द डेट ऑफ सेल
बुक वैल्यू था 4000 लेकिन उसको बेचा गया 1600 में, इसका मतलब कितना कि 2400 रुपए का 2400 का लॉस हुआ है, ठीक है। सो एनी लॉस आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट, ठीक है, दैट वुड बी रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लियर। नाउ बाय स्टेशनरी, ये स्टेशनरी जो है इसके एडिशनल स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी का मतलब क्या है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 23400, ये नहीं आता है। एक्चुअल में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड में क्या रिकॉर्ड करता है, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर, नॉट स्टेशनरी परचेस्ड। तो स्टेशनरी के ऊपर एडिशनल एडजस्टमेंट है, दैट वन हम पढ़ेंगे, ठीक है। 12% इन्वेस्टमेंट, इस साल हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया है 8000, जिसका रिटर्न हमें मिलने वाला है 12% रिटर्न मिलेगा 8000, ये क्या है, ये आपका एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 12% 8000 के ऊपर 12% आपको मिलना चाहिए इंटरेस्ट। तो इसका थोड़ा करके देखते हैं, 8000 का, ठीक है, 8000 का 12%, तो 8000 का 12% कितना होता है 960, ठीक है, बट मिला कितना, रिसीव कितना हुआ 800, मतलब स्टिल 160 रुपए मिलना बाकी है। तो वो क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट, वो क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट, क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इट्स अ नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये खरीदा गया है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इट्स नॉट अ नॉर्मल परचेज, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस साल खरीदा गया है, दैट्स वन व्हाट, दैट्स वन इज एसेट, ये क्या है, एसेट है। बुक्स खरीदा गया है, ये भी क्या है, एसेट है, क्लियर। नाउ ये जो बाय बैलेंस सीडी है, ये क्या है, कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट है, क्लियर। ओके, नाउ मूव इन टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया, बोला है द क्लब हैज 200 मेंबर्स, क्लब में 200 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1000, हर कोई 1000 रुपए देते हैं, तो देखिए 200 कितना करके देते हैं, 1000 करके देते हैं, तो टोटल हर साल कितना मिलना चाहिए, 200000, ठीक है, हर साल मिलना कितना चाहिए, 200000 मिलना चाहिए, लेकिन करंट ईयर में मिला कितना, 94000, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए, रुपीज 60000 वेयर इन एरियर्स फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल का ही एरियर्स था 60000, बट पिछले साल का मिला कितना 40000, मतलब पिछले साल का एरियर अभी भी बाकी है 20000, पिछले साल का एरियर 20000 अभी भी बाकी है, क्लियर, मेरा बात समझ में आ रहा है ना, पिछले साल का एरियर अभी भी 20000 रुपए, 20000 रुपीज स्टिल नाउ लेफ्ट, पिछले साल का 20000 रुपया अभी भी बाकी है। ओके, नाउ उसके बाद बोला है 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर, ये जो 25 मेंबर्स थे लास्ट ईयर में ही एडवांस पेमेंट कर दिया था, तो फॉर द करंट ईयर इसे हम क्या करेंगे, एड कर देंगे, दैट वन वुड बी एडेड, क्लियर। तो सब्सक्रिप्शन के साथ हमारा बहुत सारा एडजस्टमेंट्स है, तो सब्सक्रिप्शन का जो करंट ईयर है उसका अमाउंट के नीचे हम लाइन खींच देंगे, किस लिए, क्यों, इसके साथ हमारा एडजस्टमेंट है। एंड देन वी हैव स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग में था 3000, क्लोजिंग में है 4000, और स्टेशनरी हमने खरीदा था 23400। ओके, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, आप तीन बना लेंगे, ठीक है, देखिए मैंने यहां पर मैंने बना लिया है ऑलरेडी, ओके, तो आप तीन बना लीजिए, उसके बाद हम पहले सबका नाम लिख लेंगे, विल राइट द नेम्स, पहला आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहला क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, आपको तो पता ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये हो गया इसका डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, दिस साइड इज व्हाट, ये साइड हो गया आपका एक्सपेंडिचर, दिस साइड इज एक्सपेंडिचर रुपीस, ये हो गया आपका इनकम एंड दैट इज रुपीस, ठीक है।
उसके बाद आप ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो लिख देते हैं हम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018, ठीक है। इसका ये साइड हो जाएगा लायबिलिटीज, क्या हो जाएगा लायबिलिटीज रुपीस, ये हो जाएगा आपका एसेट्स रुपीस, ठीक है। फिर हम लोग प्रिपेयर करेंगे एक ओपनिंग बैलेंस शीट, ये भी हो जाएगा बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट, ये भी है बैलेंस शीट, बट व्हाई इट इज ओपनिंग बैलेंस शीट है ये भी, ठीक है, ये भी आपका क्या है बैलेंस शीट ही है, ओके, ये भी आपका बैलेंस शीट ही होगा, ठीक है, ठीक है, बट दिस इज व्हाट इट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट होने से क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 31st March 2017, दिस इज योर लायबिलिटीज, ठीक है, रुपीस एसेट्स रुपीस, ओके। हम लिखना कंप्लीट हो गया, नाउ व्हाट विल यू डू, हम लोग पहले से ही डायरेक्टली इसका करेंगे, जिसको जहां जाना होगा डायरेक्टली हम लिख देंगे, ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। ये तीन बना लिया हमने, अभी जिसको जो रिकॉर्ड करना होगा हम डायरेक्टली इसे रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू बैलेंस बीडी, ये कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड 20,000 रुपए, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, आपको ध्यान से देखिए कहां लिखूंगा मैं, ये डायरेक्टली मैं रिकॉर्ड करूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, यहां पर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, क्या लिखना है, कैश इन हैंड कितना 20,000 रुपए, 20,000, ओके। नाउ उसके बाद देखिए, थोड़ा क्वेश्चन में शफल तो होगा ही, उसके बाद आ गया सब्सक्रिप्शन का मामला, सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन एस वी नो सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, हमको पता है, अच्छा ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, इसलिए मैं एक साथ ही सब खत्म करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट कंप्लीट द फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये तो स्क्रीन वो हो रहा है, इसीलिए पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड देन लास्टली हम लोग बनाएंगे क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग क्या निकाल सके, ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द कैपिटल फंड, ठीक है। तो ओपनिंग शीट बैलेंस शीट बना लेते हैं, ओके, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया आपका ना कैश इन हैंड 20,000 रुपए जो बिगिनिंग में था। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में भी देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है क्या कि 25 मेंबर्स हैव ऑलरेडी पेड, 25 लोग हैव ऑलरेडी पेड देयर सब्सक्रिप्शन, 25 मेंबर्स हैव पेड देयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, पिछले साल में ही करंट ईयर के लिए दे दिया, तो एनी सब्सक्रिप्शन विच इज रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 25 मेंबर्स अगर 1,000 रुपए करके देंगे तो 25,000, 25,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन इज येट टू बी रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में बोला गया है 60 मेंबर्स हैव नॉट पेड, 60 लोगों का सब्सक्रिप्शन, 60,000 सब्सक्रिप्शन वेयर इन एरिया, क्वेश्चन में दिखा देता हूं आप लोगों को तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में फिर से दिखा देता हूं, यहां पर देखिए 60,000 वेयर इन एरिया, रुपीज 60,000 वेयर इन एरिया फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का एरिया था, मतलब ये लास्ट ईयर का क्या है एसेट है, तो हम बिगिनिंग में जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60,000, इट्स एन एसेट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो वो क्या है, ये हमारा एसेट है, तो इधर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 60,000 ईयर, सब्सक्रिप्शन येट टू बी रिसीव्ड, पिछले साल का ही 60,000 रुपये रिसीव करना बाकी था, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर देख लेते हैं हम लोग, ये है आपका, ये देखिए बुक वैल्यू 4,000 और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग कितना है 3,000, ये दोनों भी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा आपका, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड फर्नीचर, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ क्या आएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी STATIONERY स्टेशनरी कितना 3,000 और फर्नीचर, ठीक है, और कितना आएगा, क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, हाउ मच फर्नीचर इज 4,000 बुक वैल्यू, ये टोटल कर दिया हमने, ये कर देंगे टोटल, ये टोटल इधर ला देंगे, ठीक है, ये टोटल को अगर इधर लाया तो टोटल कितना होता है 4 + 3 = 7, 87,000, 87,000 जब इधर आ गया, ठीक है, ये बैलेंसिंग कर लेंगे एंड विल गेट कैपिटल फंड, ये मिल जाएगा अपना कैपिटल फंड विच इज अ बैलेंसिंग फिगर, क्लियर टू यू। ये बैलेंसिंग कर लिया तो कितना हुआ 5 + 2 विच इज 7, ओके, एंड 2 + 6 इज 8, तो 62,000 इज द कैपिटल फंड, और यही कैपिटल फंड हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिख देंगे, कितना 62,000 कैपिटल फंड, कितना आया 62,000 इनर कॉलम, गॉट इट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ओके, लेट अस कंटिन्यू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मैटर पहला है 94,000, तो ये पहला सब्सक्रिप्शन का मैटर सॉल्व करते हैं, सब्सक्रिप्शन बाय बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना मिला 97,000 मिला, ठीक है। नाउ हमेशा मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग एट द एंड एड होता है, ओके, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होता है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, बोला पिछले साल का एरियर था 60,000, बट पिछले साल का 60,000 में से मिला कितना 40,000, तो पिछले साल का एरियर बाकी कितना है 20,000 अभी भी बाकी है, तो ये क्या है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, तो ये 20,000 रुपये लेस किया जाएगा, लेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना 20,000, ये 20,000 रुपये लेस हो जाएगा, इसे लेस कर दिए तो बचा कितना 77,000, क्लियर, ओके। नाउ वी आर मूविंग इनटू द क्वेश्चन, ये जो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना 20,000, मतलब अभी भी रिसीव करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ये किसी बिगिनिंग के लिए अभी भी अपना कितना बाकी है 20,000 रुपये बाकी है, क्योंकि टोटल बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था 60,000, 60,000 में से 40,000 तो मिल गया, बाकी है 20,000, तो 20,000 हमने लेस कर दिया। फिर क्या बोला, देखिए 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर फॉर द करेंट ईयर, 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर फॉर द करेंट ईयर, 25 मेंबर ने लास्ट ईयर में ही करेंट ईयर के लिए पे कर दिया है, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन, ओ दिस इज नॉट 97, इट इज 94,000, इट इज व्हाट 94,000, सो हमें ये थोड़ा चेंज करना होगा, वी नीड टू चेंज इट, चेंज लिटिल, ओके, इट इज नॉट, ठीक है, okay. ये हो गया कितना 94 में से 20 गया तो हो गया 74, और पिछले साल में 25 लोगों ने करंट ईयर के लिए दे दिया था, तो ऐड कर देंगे एडवांस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर, एडवांस रिसीव्ड इन द बिगिनिंग, एडवांस रिसीव्ड
हाउ मच 25,000, क्लियर, कितना हो गया 99,000, बट अभी भी बाकी है, ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बोला है 200 मेंबर्स ईच पेइंग, हर साल में मुझे मिलना कितना चाहिए 2 लाख, बट इस साल में मुझे मिला कितना 99, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है, एड आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये क्या होगा, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड में बाकी है 1,01,000 रुपए, क्लियर, तो टोटल कितना हो गया 2 लाख, क्लियर टू यू, ओके। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 1,01,000 रुपए, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, आउटस्टैंडिंग एसेट बोल के, मतलब येट टू बी रिसीव सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 1,01,000, ठीक है, ओके। सब्सक्रिप्शन का देखिए, और एक चीज देखिए, बोला गया है 2018-19 के लिए 7,200 रुपए करंट ईयर में रिसीव किया, तो इफ एनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर फॉर द फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर इट्स ए लायबिलिटी, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी बोल के आएगा, एडवांस रिसीव 7,200, ठीक है, 7,200 एडवांस रिसीव, ठीक है, नॉट दिस वन, दिस वन थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, इधर लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एडवांस, एडवांस रिसीव्ड कितना 7,200, ठीक है, ओके। सब्सक्रिप्शन का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सब्सक्रिप्शन खत्म, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 40,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज व्हाट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज ए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, और क्या, ये हो गया इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ना इज ए लायबिलिटी, तो इधर लिख देंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग लायबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, कितना 40,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज ए लायबिलिटी, ओके। नाउ अगेन वी आर मूविंग इनटू द क्वेश्चन, हम फिर से क्वेश्चन में जा रहे हैं, जो खत्म हो जाए टिक कर देंगे, सब्सक्रिप्शन का काम खत्म, ये पूरा खत्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम, बट वी आर 12% इन्वेस्ट मिलना चाहिए था, 12% मिलना चाहिए था, ठीक है, मिला है 800 रुपए, मतलब 160 रुपए अभी बाकी है, ठीक है, ये हो जाएगा इनकम साइड में, ठीक है, ये लिख देंगे बाय इनकम है, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना 800 रुपए मिला है, बट अभी भी 160 रुपए बाकी है, क्यों, दैट वॉज 12% इंटरेस्ट 8,000 के ऊपर, देखिए 8,000 के ऊपर कितना था 12% पर एनम, कितना होता है 960 रुपए, बट मिल गया 800, बाकी कितना है, अभी भी 160 रुपए बाकी है, ठीक है, 960, एज अकाउंटिंग इज डन ऑन द एक्रुअल बेसिस, ईच एंड एवरी इनकम विल बी रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और नॉट, ठीक है, तो ये जो 160 रुपए है एक्रूड इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, ये क्या है, ये भी एसेट है, तो इधर लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 160 रुपए हो गया, ओके। मूविंग टू द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन में फिर से जा रहे हैं, ये वाला काम, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 17,400, गवर्नमेंट ग्रांट 17,400, तो ये लिख देंगे इनकम है, बाय गवर्नमेंट ग्रांट, बाय गवर्नमेंट ग्रांट हाउ मच 17,400, 17,400 हो गया। उसके बाद क्या है, ये हो गया काम खत्म, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000 था बुक वैल्यू, 1,600 में बेच दिया, नाउ ये क्या हो गया आपका 2,400 का लॉस है, 2,400 रुपए का लॉस, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज द लॉस फॉर द करंट ईयर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा लॉस, और इसका तो बुक वैल्यू हम लिख चुके हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में 4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आएगा कितना 2,400 रुपए,
इधर लिखेंगे एक्सपेंसेस में टू लॉस ऑन सेल ऑफ, ठीक है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ओके, कितना 2400 रुपये, 2400, ओके। अगेन ये पार्ट पूरा खत्म हो गया। स्टेशनरी 23400, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आता है, तो स्टेशनरी ओपनिंग में कितना था 3000, क्लोजिंग में 4000 और 23400 का खरीदा गया था, ठीक है। चाहे तो आप इसका वर्किंग बना सकते हो, बिना वर्किंग में भी चलेगा। 3000 था ओपनिंग में, फिर से खरीदा गया 23400, ठीक है, कितना हो गया 26400, क्लियर। और क्लोजिंग में कितना था 4000, इसको माइनस कर दो तो कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ 22400। ये जो 22400 है दैट इज व्हाट टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड हाउ मच 22400, ये भी लिख लेते 22400, क्लियर, ओके। नाउ अभी देखते हैं और क्या है। स्टेशनरी वाला काम खत्म हो गया, लेकिन स्टेशनरी का जो क्लोजिंग आइटम है 4000, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम लिख देंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी हाउ मच 4000, ठीक है। स्टेशनरी का हम खत्म, इन्वेस्टमेंट का 8000, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, देखिए एक साथ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट इट्स एन एसेट 8000, ओके। नाउ और क्या है अपना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10600, एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर 30000, ओके, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और टू एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर, एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर, ये दोनों ही आएगा, कितना 10600 और 30000, 10600 और कितना 30000, 30000, क्लियर। ये दोनों भी हो गया, टिक कर दो, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस बार खरीदा गया 59000 एसेट, बुक्स एसेट है 40000, ठीक है, तो एसेट साइड में जाइए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और कितना और क्या है, बुक्स, बुक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 59000 और बुक्स है 40000, हो गया, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, ओके। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 59000, बुक्स 40000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट का बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा 50000, तो ये लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड 50000, कैश इन हैंड 50000, क्लियर, ओके। लगभग हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अभी मैं एक्सट्रैक्ट इसलिए नहीं दिया ताकि आप लोग को समझ में आ सके, अभी हम लोग इसमें पूरा सॉल्व करेंगे। 2,90,17,400 इन सबको अगर हमने प्लस कर लिया, ठीक है, तो प्लस करने के बाद कितना आता है आपका 2,18,360, कितना आता है 2,18,360, ओके। ये इधर ट्रांसफर किया गया 2,18,360, ओके, ये ट्रांसफर हो गया। डेफिनेटली इनकम इज मोर देन द एक्सपेंसेस, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इसको क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, तो इधर लिख देंगे टू सरप्लस, ठीक है, सरप्लस ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस
ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है ओके। तो बैलेंसिंग अगर हम करें तो कितना आएगा, 1,52,960, ठीक है 1,52,960, ठीक है। और यही जो सरप्लस है, यही आपका सरप्लस जो अमाउंट है, ये कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा। कितना, 1,52,960, 1,52,960, ठीक है ये ऐड हो जाएगा। ऐड करके आउटर में इसका अमाउंट डाल देंगे, क्या करेंगे, ऐड करके आउटर में डाल दिया इसका अमाउंट, ठीक है अमाउंट डाल दिया आउटर में, और क्या अमाउंट डाल दिया, तो इधर 960 तो होना ही है, 2,14,000, ठीक है 2,14,960, बस और तो कुछ करना नहीं है, बैलेंस शीट अभी टैली कर लेगा, दोनों तरफ प्लस करो, व्हाट विल यू गेट, 2,62,160, इधर भी आ जाएगा आपका 2,62,160, ठीक है। ये मैंने एक पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया है, अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझा रहा था इसीलिए टाइम इतना मेंटेन नहीं कर पाया, लेकिन मैं जिस तरीके से बताया, अगर आप इस तरीके से पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपका जो एक्यूरेसी है लेवल बढ़ जाएगा, गलती बहुत कम होगी, ठीक है। सो दिस वॉज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्लास ऑफ एनपीओ, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम क्लास 12 का पार्टनरशिप में घुसने वाले हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स शुरू होने वाला है। तो टिल देन बाय बाय, आप लोग मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए।